हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल यूनिवर्स और मैं हूं आपका दोस्त प्रेमकांत पांडे। मैं यहां लेकर आता हूं आपके लिए एक्सेल के बेसिक और एडवांस ट्यूटोरियल वीडियो लाइव एग्जांपल के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको नेम मैनेजर के बारे में। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला टाइप के बारे में, जहाँ आपने जाना था फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइन नेम, कैलकुलेशन और फॉर्मूला ऑडिटिंग के बारे में। नेम मैनेजर उसी डिफाइन नेम ग्रुप का एक पार्ट है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, नेम मैनेजर एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जिसे अगर आप सीख लेते हैं तो आपके एक्सेल में काम करने की एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है। जैसे आप कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर, अगर आपको वो एक ही फॉर्मूला से रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए बार बार उस रेंज को सेलेक्ट करना पड़ता है, उस समय ये नेम मैनेजर हमारे बहुत काम आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं नेम मैनेजर के बारे में। उसमें हम अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे नेम मैनेजर क्या है, ये कैसे क्रिएट करेंगे और हम इसे कैसे हैंडल करेंगे, और नेम मैनेजर को फॉर्मूला में कैसे यूज करेंगे। यहाँ जो जो चीजें मैं बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, आप सीख जाएंगे नेम मैनेजर को अपने वर्कशीट पे यूज करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक और लेकर चलता हूं आपको अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर और जानेंगे व्हाट इज नेम मैनेजर। नेम मैनेजर क्या है? जैसे मेरे पास यहां पे कुछ एक्सेल डेटाबेस दिए गए हैं, जहां पे उनके सेल्स मैनेजर के मंथ वाइज सेल दिए गए हैं। अब मैंने अपने एक्सेल इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम किसी सेल को कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे रेंज क्रिएट होता है। तो ये आपको बातें मालूम होंगी, अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो जिस तरह से हम एक सेल को एड्रेस करते हैं उसी तरह हम कोई नेम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने किसी एक सेल में कोई डेटा लिखा हुआ है, किसी रेंज में कुछ डेटा आपने डाला हुआ है, तो आपको बार बार उस रेंज को कॉल करने के लिए हमेशा उस रेंज को याद रखना होगा। और ये इतनी कॉमन चीज़ है कि इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम क्यों ना अपने डेटाबेस को एक ऐसा नाम दे दें जैसे हमेशा हमें जहां भी यूज हो हम उस डेटाबेस के नाम से उसे कॉल कर सकें। जैसे अगर आप यहां पे देख सकते हैं सेल्स मैनेजर वन का और उनके मंथ वाइज सेल जो दिए गए हैं, अगर मुझे इस रेंज को याद रखना हो कि B2 से लेकर और M2 तक के डेटा में सेल्समैन वन है, तो ये कितना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ सेल्समैन एक ही नहीं है, एक से लेकर 30 तक सेल्समैन दिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगी कि हम कौन सा सेल्समैन याद रखें और उसके रेंज को कैसे याद रखें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पार्टिकुलर नेम असाइन कर देंगे उस सेल्स मैनेजर के लिए, ताकि हम कहीं भी अपने एक्सेल वर्कबुक में काम करें हम सिंपल उस नेम को कॉल करें और मेरा डेटा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाए वहां पे। इसका मैं यहाँ पे एक आपको लाइव डेमो दिखाता हूं कि कैसे हम ये करते हैं। जैसे मैंने अभी O2 में अपना कर्सर रखा हुआ है, जो हमारा एक्टिव सेल है, वहां पे मैं लिखूंगा कि सेल्समैन वन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है जनवरी से लेकर दिसंबर तक में। मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करूंगा मैक्स का फंक्शन और यहाँ पे मैं डाल दूंगा SM1। देखेंगे इसका 2497 इज द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द जनवरी टू दिसंबर। ये देख सकते हैं 2497 नवंबर में सबसे मैक्सिमम वैल्यू हुआ था। इसी तरह से आपको मिनिमम वैल्यू निकालना हो, आप यहाँ पे सिंपल SM1 को लिख दीजिए, आपका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आप खुद से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप उस रेंज को याद रखना चाहेंगे या उस सेल्समैन को याद रखना चाहेंगे जिससे आपको डेटा कैलकुलेट करके आउटपुट निकालना हो। तो आप समझ गए होंगे कि नेम मैनेजर मेरे कितने काम की चीज है। अब मैं बात करूंगा कि नेम मैनेजर कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट नेम। तो इसके लिए हमारे एक्सेल में अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, आपका एक्सेल के शीट में जो भी सेल एक्टिव रहेगा उसका नेम आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखेगा। जैसे अभी मेरा O3 सेल एक्टिव है और वो हमारे नेम बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है। जैसे मैं चेंज करूंगा उस एक्टिव सेल की वैल्यू आपको इस नेम बॉक्स में दिखेगी। जैसे यहाँ पे मैंने B2 पे क्लिक किया है, B2 सेल आपका एक्टिव है और यहाँ पे नेम बॉक्स में उसका एड्रेस दिख रहा है। तो अगर आपको नेम क्रिएट करना हो, जैसे मैं नेम क्रिएट करना चाहता हूँ सेल्समैन वन के लिए, जनवरी का जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो सिंपल आप नेम बॉक्स पे जाइए, यहाँ पे
लिखिए SM1 और इसके साथ आप लिख दीजिए जनवरी, प्रेस कीजिए इंटर, आपका नेम क्रिएट हो गया है। जैसे आप किसी अदर सेल पे क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ सेल और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एड्रेस दिखाएगा, लेकिन आप वापस अपने बनाए हुए नेम पे जाते हैं, आप देखेंगे इसका सेल यहाँ पे दिखा रहा है और इसका नेम क्या है, SM_1_Jan। अब आपको SM1 के जनवरी की वैल्यू जाननी है, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए इक्वल टू SM1 और ये आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको किसी अदर शीट में ये कैलकुलेशंस करनी है तो सिंपल आप यहाँ पे भी जाएंगे, लिखेंगे इक्वल टू और उस SM1 की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे जो आपने नेम क्रिएट किया है। अब आपके लिए पॉसिबिलिटी हो गई है कि आप कभी भी उस सेल्समैन के वैल्यू को आप याद रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप उस सेल पे जाना चाहते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल सीट्स हैं तो आपको कहीं भी सीट सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल नेम बॉक्स पे क्लिक करेंगे और आपके जितने भी नेम क्रिएट हुए हैं वो यहाँ पे दिखेंगे, सिंपल जाके क्लिक कर दीजिए, आपका वो सेल एक्टिव हो जाएगा और वो पार्टिकुलर उस सीट में आप मूव कर जाएंगे। तो इस तरीके से नेम मैनेजर हम क्रिएट कर सकते हैं, इसके मैं अलग अलग तरीके भी बताऊंगा आपको। जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया आपको नेम बॉक्स में जाके नेम क्रिएट करना, अब मैं बताऊंगा नेम मैनेजर के थ्रू नेम क्रिएट करना। तो आप इसे Ctrl+F3 से भी एक्टिव कर सकते हैं और ये डिफाइन नेम ग्रुप के अंदर मिलेगा जो फॉर्मूला टैब में है। तो Ctrl+F3 प्रेस कीजिए, आपका नेम मैनेजर आपके सामने खुल के आ गया है। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं इन हर ऑप्शंस के बारे में एक एक करके बात करने वाला हूँ। पहला हमारा है न्यू, न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे डिफाइन नेम का एक पॉपअप खुलेगा और उसमें आपको देना है नेम। तो मैंने यहाँ पे SM1 बाय डिफॉल्ट पहले से दिया हुआ है क्योंकि मेरा एक्टिव सेल सेलेक्ट था। अगर आपको करना है तो यहाँ पे लिख दीजिए SM1। एक चीज ध्यान रखने वाली है कि नेम में कभी आप किसी सेल के एड्रेस को नहीं दे सकते हैं, जैसे आप A1, B2, C3 ऐसा कुछ करके कोई भी सेल का एड्रेस नहीं दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे SM_1 लिया हुआ है क्योंकि ये SM1 नहीं लेगा, क्योंकि SM नेम हमारा जो है एक सेल का एड्रेस होता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं, अगर मैं SM1 दूंगा तो क्या एरर आएगा। जैसे मैंने ओके किया, ये आ रहा है कि द सिंटेक्स ऑफ दिस नेम इज इनकरेक्ट। तो इस तरह से आप ये कोई नेम नहीं दे सकते हैं जो सेल में डिफाइन किया हुआ है, एक्सेल में प्री डिफाइन किया हुआ है। दूसरी बात, आप कोई भी नेम स्पेस के साथ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, सेम एरर आएगा। जैसा कि आपने देखा मैंने क्रिएट किया वो SM_1_Jan। तो इसी तरीके से आपको या तो एक सिंगल टेक्स्ट में लिखिए, अदरवाइज आप इसको अंडरस्कोर से सेपरेट कर दीजिए। तो मैंने यहां पे दिया SM1। उसके बाद है स्कोप। स्कोप क्या है, यहां पे बाय डिफॉल्ट वर्कबुक आता है, अदरवाइज अगर आप किसी सीट को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो नेम जो क्रिएट हुआ है वो आपका उसी सीट में काम करेगा जिस सीट को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो मैं यहाँ पे वर्कबुक रहने देता हूँ। उसके बाद है कमेंट्स। कमेंट में आप ये डाल सकते हैं कि ये नेम आपने क्रिएट क्यों किया है, आप इस कमेंट के बारे में कुछ लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है रेफर्स टू, जहां आप उस सेल के रेंज को देंगे जो आपके इस नेम पे स्टोर करना है। तो मैंने यहाँ पे जो एक्टिव सेल सेलेक्ट किया था उसका रेंज आ रहा है, मैं इसको डिलीट करूंगा और मैं इस SM1 के जो पूरे साल के सेल वैल्यू दिए गए हैं उनके रेंज को सिलेक्ट करके प्रेस कर दूंगा ओके। कर दीजिए क्लोज। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा सम और यहाँ पे मैं इस रेंज को यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा SM_1 ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस इंटर डेटा विल गेट डिस्प्ले। अब आप इसको देख सकते हैं, ऐड करके इसको सिलेक्ट करिए, आपकी सेम वैल्यू यहाँ पे दिखेगी 22756। ये आपका डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप नेम क्रिएट करके आप उसे फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटाबेस को एक खुद के द्वारा एक डिसाइड किया हुआ नाम दे सकते हैं जिससे कि आप उसे हमेशा याद रख सकें, और आप किसी को भी भेजेंगे
तो आप उसे बस ये एक केवल ये रिमाइंडर देना होगा कि आप सिंपल कहीं भी एक्सेल में अगर आपको कैलकुलेशंस करनी हो तो उस नेम को कॉल कर लीजिए, आपका डेटा खुद पे खुद बन के आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया नेम क्रिएट करना। इस नेम क्रिएट करने का एक और तरीका है, आप जाएंगे फॉर्मूला टैब के अंदर डिफाइन नेम में और वहां पे डिफाइन नेम आपको दिखेगा, डिफाइन नेम क्लिक कीजिए और यहां पे सिंपल आप डायरेक्ट डिफाइन नेम में जाएंगे जहां पे न्यू नेम का ऑप्शन होगा। यहां पे मैं SM2 के लिए क्रिएट करना चाहता हूं, सिंपल यहां पे दीजिए SM2 और यहां पे वो रेंज सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको SM2 के लिए रेफर करना है। मैं ये सेलेक्ट कर लूंगा, प्रेस करूंगा ओके। ये लीजिए जी, आपका SM2 के लिए भी क्रिएट होकर आ गया है। अब यहां पे आप यूज करिए SM2। देखेंगे लाइन जो हाईलाइट हो गई ब्लू कलर से वो हमारा SM2 का रेंज है। मैं यहां पे प्रेस करूंगा इंटर और इसमें मैं कोई फॉर्मूला यूज कर लूंगा। ले लीजिए आपका 23,760 डेटा डिस्प्ले हो रहा है जो इस सेल्समैन द्वारा किया हुआ टोटल 1 साल का सेल है। इसी तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग सेल्समैन के नेम क्रिएट करके, या आपके पास कोई भी डेटा हो उस डेटा रेंज पे नेम क्रिएट करके। अब बारी आती है हाउ टू हैंडल नेम मैनेजर, हम नेम मैनेजर को हैंडल कैसे करेंगे। यहाँ नेम मैनेजर हैंडल करने का मतलब हुआ आप नेम मैनेजर तो क्रिएट कर सकते हैं बट उसे एडिट या डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए नेम मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा अलग ऑप्शंस। पहला हमारा एडिट, एडिट में जाएंगे तो अगर आपने यहाँ पे एक सेल्स मैनेजर 1 क्रिएट किया है, अगर आप चाहते हैं कि ये सेल्स मैनेजर 1 की जगह मैं यहाँ पे 6 मंथ का रेंज लूँ, मतलब इसका जो भी डेटा सिलेक्शन में आए वो 6 मंथ का डिस्प्ले हो, उसके लिए करना क्या है, आप यहाँ रेफर्स टू में जाइए जो रेंज आपने सिलेक्ट किया हुआ था और यहाँ पे जो रेंज पहले दिया हुआ है उस रेंज को करिए डिलीट और आपको जो नया रेंज चाहिए उसको कर लीजिए सिलेक्ट। मैंने 6 मंथ का डेटा सिलेक्ट कर लिया है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मेरा डेटा अपडेट हो गया। अब जैसे यहाँ पे मैंने चेंज किया आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी चेंज हो गई। तो इस तरीके से आप नेम मैनेजर को एडिट कर सकते हैं। अब नेम मैनेजर डिलीट कैसे करेंगे, तो सेम आपको नेम मैनेजर में जाना है और आपको जो नेम मैनेजर डिलीट करना है उसे आप सिलेक्ट करिए, प्रेस कर दीजिए डिलीट। ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट द नेम SM_1_Jan, प्रेस कीजिए ओके, योर नेम हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द नेम मैनेजर। अब आपके मन में एक ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने यहां पे तो नेम क्रिएट कर लिया लेकिन ये डेटाबेस तो 1 से लेकर 30 तक के सेल्समैन का है, अब मुझे 1 से लेकर 30 तक के सेल्समैन का डेटा एक एक करके क्रिएट करना होगा। सवाल आपका बिल्कुल जायज होगा लेकिन मैं इसका आंसर दूंगा कि जी बिल्कुल नहीं, आप एक बार में मल्टीपल नेम क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए हमें एक्सेल ने एक प्री डिफाइंड फंक्शन दे रखा है। आपको सिंपल डेटा रेंज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आएगा क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन का और वहां पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो एंड राइट कॉलम। टॉप रो में क्या होता है कि आपका डेटा जो भी सिलेक्शन होगा वो टॉप रो के हिसाब से डेटा का नेम क्रिएट होकर आएगा। अगर आप लेफ्ट कॉलम करते हैं तो आपके डेटा के लेफ्ट में जो नेम होगा उस नेम को ये क्रिएट करेगा। सेम आपका बॉटम रो और राइट कॉलम होता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो मुझे अलग अलग सेल्समैन के लिए नेम क्रिएट करना है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, एक्सेल खुद समझ जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेफ्ट कॉलम सेलेक्ट कर दिया है। तो बाकी सबको मैं कर दूंगा अनचेक जो ऑलरेडी है और ये हम चेक रहने देंगे, प्रेस करेंगे ओके और आप नेम मैनेजर में जाइए, आपको यहाँ पे वो सारे नेम दिखेंगे जो आपने यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट करके क्रिएट किया था। अब आपको कहीं भी ये डेटा कॉल करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप कोई फंक्शन रेफर करना चाहते हैं इसको करिए सम और आप ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। मैं रेंज इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको ये दिखे कि मैं जो रेंज सेलेक्ट कर रहा हूं आपके फॉर्मूले में कैसे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं कोई थोड़ा सा एक रेंज सेलेक्ट करके छोड़ूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे वो रेंज का सेल एड्रेस आ गया,
लेकिन मैंने जो नेम क्रिएट किया है उसको मैं लेता हूं पूरा, तो आप देखेंगे उस रेंज का नेम यहाँ पे कॉल होकर आ रहा है। तो इस तरह से प्रेस कीजिएगा इंटर और इसको ड्रैग कर दीजिए। आप कहीं भी जाएंगे ये हमारा SM1 का डेटा सेलेक्ट करके आ गया है, क्योंकि हमने ये रेंज दिया था। अब आप ये चाहेंगे कि यहाँ पे तो एक एरर आ गया, लेकिन इसको भी हम हैंडल करना आपको बताएंगे। तो अब हम जानेंगे नेम रेंज इन फॉर्मूला, हम फॉर्मूला में नेम रेंज का कैसे यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे Salesman1 के रेंज को सिलेक्ट किया और ड्रैग किया, तो ये हमारे सारे रेंज में एक ही रेंज को कॉल कर रहा है, तो इसको दूर करना है। तो इसके लिए मैं बताऊंगा आपको एक फंक्शन, जैसे मैं यहाँ पे यूज करूंगा सम, और इसके अंदर मैं एक यूज करने वाला फंक्शन इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या करता है, आप कोई भी नेम क्रिएट करते हैं या कोई भी सेल रेफर करते हैं, उस सेल में लिखे हुए वैल्यू को वो डायरेक्ट करता है उस पार्टिकुलर रेफरेंस पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट के अंदर SM1 का सेल वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, आप देखेंगे ये डेटा हमारा यहाँ पे सम होकर आ जाएगा, और आप इसे नीचे ड्रैग कर दीजिए। ये लीजिए जी, आपका सम होकर आ गया है। अब आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये क्या रेंज सिलेक्शन हो रहा है। इसको चेक करने के लिए आपको मैंने बताया था फॉर्मूला टैब में, फॉर्मूला ऑडिटिंग में करिए इवैल्यूएट फॉर्मूला, और आपका यहाँ पे इवैल्यूएशन खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या फंक्शन यूज किया है। यहाँ पे मैंने यूज किया सम, उसके साथ इनडायरेक्ट, और उसके अंदर मैंने A2 सेल को सिलेक्ट किया हुआ है। A2 सेल क्या है, हमारा एक नेम क्रिएट हुआ है SM1 के नाम से। अब इवैल्यूएट पे क्लिक कीजिएगा, आपको दिखेगा कि सम के अंदर इनडायरेक्ट में SM1 नाम का एक जो मैंने नेम क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गया, जो कि उस सेल वैल्यू में दिया हुआ है। जैसे आप आगे इवेल्यूएट करेंगे, वो बता रहा है कि सम के अंदर आपने ये रेंज सिलेक्ट किया हुआ है। अब फिर से इवेल्यूएट करिए, ये इस रेंज को सम करके आपको जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्मूला यूज किया है वो क्या हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर कोई एरर आ रहा है तो आप उसको भी इवेल्यूएट फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं नेम मैनेजर के बारे में। अब मैं नेम मैनेजर के साथ VLOOKUP फंक्शन यूज करने वाला हूँ। इसके लिए मुझे करना क्या होगा, मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इस पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट कर लूंगा, इसका डेटाबेस मैं नेम देता हूँ डेटाबेस, और मेरा रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके आ गया हुआ है। प्रेस कीजिए ओके। और VLOOKUP में हमें क्या क्या आर्गुमेंट चाहिए होते हैं, पहला तो हमारा होता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारा हो गया Salesman1 या जो भी सेल्समैन यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है, टेबल एरे। तो टेबल एरे के लिए मैंने अपना ये डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं नेम बॉक्स में जैसे मैंने डेटा सिलेक्ट किया उसका डेटाबेस का नेम आ गया है यहाँ पे। अब तीसरा होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हमें कहाँ से मिलता है, तो हम वहां पे यूज करने वाले हैं मैच फंक्शन, और मैच फंक्शन यूज करने के लिए हमें एक रेंज सिलेक्शन चाहिए। तो मैं रेंज सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं इस रेंज को सिलेक्ट करके और एक नेम दे दूंगा, इसका नाम हो जाएगा रो हेडिंग। ओके, अब मैंने ये सारे डेटाबेस बना लिए हैं। अब मैं किसी दूसरे शीट में जाता हूं, मैं इस डेटाबेस को कॉपी कर लूंगा और यहां पे कर दूंगा पेस्ट, और यहां से मैंने वो डेटा डिलीट कर दिया। मैं यहां पे लगाऊंगा VLOOKUP। VLOOKUP लगाने के लिए इक्वल टू VLOOKUP टाइप कीजिए, लुकअप वैल्यू दे दीजिए SM1, आपका टेबल एरे आएगा वहां पे आप दे दीजिए डेटाबेस जो आपने अभी क्रिएट किया था। अब कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैं यूज करने वाला हूं मैच फंक्शन। मैच, और मैच क्या करवाना है आपको, ये मंथ को मैच करवाना है। कहां से मैच करवाना है, रो हेडिंग से। और एग्जैक्ट मैच के लिए चाहिए 0 कॉमा दीजिए, 0 देकर फिर से आप कॉमा दीजिए, प्रेस कीजिए इंटर, आपका डेटा यहाँ पे आ गया है। अब आप इस A2 को फ्रीज कर दीजिए ताकि आपका सेल मूव ना हो। इसको आप कॉपी करिए और इसमें पेस्ट कर दीजिए। ये लीजिए जी, आपका डेटा यहाँ पे आ गया है। तो आपने देखा कि कैसे मैंने अपने डेटाबेस को सिलेक्ट किए बिना VLOOKUP फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये एडवांटेज होते हैं नेम मैनेजर के, जिससे कि आप अपने वर्क को और आसान बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर।
अब मैं आपको डिफाइन नेम के अंदर दिए गए अलग अलग टूल्स के बारे में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफाइन नेम पे एक एरो दिया हुआ है। अब एक्सेल ने कोई भी चीज यूं ही नहीं बनाया है, उसके कुछ न कुछ मतलब होते हैं। तो जैसे आप एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ डिफाइन नेम है वो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे अप्लाई नेम है। अब इसका क्या यूज है? यहाँ मैंने क्या है, सेल का रेंज दिया है। अब आपको इसको नेम में कन्वर्ट करना है, या आप ये जानते हैं कि आपने कोई नेम ऐसा बनाया है जो इस सेल को क्या रेफर कर रहा है, तो उससे जानने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे अप्लाई नेम पे क्लिक करना होगा और यहाँ दिए गए सारे नेम को आप एक एक करके सेलेक्ट कर लीजिए और प्रेस कीजिए ओके। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने नेम का रेंज लिया हुआ है B2 से लेके M2 तक का। ओके प्रेस करते ही ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा SM1 में। मतलब ये हमें ये बता रहा है कि आपने इस रेंज के लिए कोई नेम क्रिएट किया है, तो आपका वो नेम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट टूल है इसमें दिया हुआ, यूज इन फॉर्मूला, मतलब अभी हमने जो भी फंक्शंस यूज किया है सेम आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये जैसे मैं SM2 के लिए कोई फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा मैक्स, और यहाँ पे आप यूज फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए SM2 और प्रेस कीजिए इंटर। उसी तरह आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक अलग ऑप्शन दिखेगा पेस्ट नेम का। पेस्ट नेम क्या होता है, जैसे आप पेस्ट नेम पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा पेस्ट नेम का। आप किसी भी एक नेम पे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, पेस्ट लिस्ट और ओके या कैंसिल। आप पेस्ट लिस्ट अगर करते हैं तो ये पेस्ट करके आपको बताएगा कि आपने इतने नेम क्रिएट किए हैं अपने डेटाबेस के अंदर। और जब आप इसका नेम क्लिक करके ओके करते हैं तो ये लीजिए आपको उस रेंज को रेफर कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डेटाबेस को एक नेम देकर और आसानी से उसको मेमोराइज कर सकते हैं और कहीं भी आप उसको उस डेटाबेस के नाम से कॉल कर सकते हैं। आपको रेंज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डैशबोर्ड ऑटोमेशन चाहते हैं, MIS रिपोर्ट्स बनाते हैं, डेटा वैलिडेशन करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें ये नेम मैनेजर बहुत काम आने वाला है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ डेटा टाइप के बारे में, जहाँ आप जानेंगे डेटा टूल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए मेरा चैनल एक्सेल यूनिवर्स।